हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बात करने वाले हैं आप एनसीईआरटी एग्जांपल्स के रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस की। आपको याद होगा इन माय लास्ट वीडियो हमने एनसीईआरटी एग्जांपल्स के क्वेश्चन नंबर 1.1 टू 1.6 तक डिस्कस कर लिया था, ठीक है। नाउ वी विल स्टार्ट फ्रॉम द एग्जाम्पल 1.7, ठीक है। सो एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है बेटा। तो आपको अभी तक आई होप समझ में आ रहा होगा कि हम किस तरीके से एग्जाम्पल्स को समझ पा रहे हैं, ठीक है। देखो बेटा, यहाँ पे क्या है कि हम आपको सारे के सारे जितने पॉसिबल कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है, वो हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। जो कैलकुलेशन वाला पार्ट है वो आप एक अप्रॉक्सीमेशन यूज़ करके कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो वो पार्ट मैं नहीं बता रहा हूँ बिकॉज एक थोड़ा सा टाइम टेकिंग वीडियो हो जाता है, ठीक है। सो विल स्टार्ट फ्रॉम द एग्जाम्पल 1.7, एग्जाम्पल 1.7, ठीक है। तो 1.7 एग्जाम्पल्स में यहाँ लिखा हुआ है बेटा, क्वेश्चन नंबर 1.7 कंसीडर द थ्री चार्जेस, टू प्लस क्यू है दे रखा है, क्यू क्यू एंड एक माइनस क्यू, राइट। थ्री चार्जेस आर गिवन, राइट, आपको दे रखा है थ्री चार्जेस, कंसीडर थ्री चार्जेस क्यू क्यू एंड माइनस क्यू, ठीक है। ये तीन चार्जेस हैं विच आर प्लेस्ड एट द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो यहाँ पे फिर से बात आपको समझ में आ गई कि सर ये तो इक्विलेटरल ट्रायंगल वाली बात हो रही है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल आपने ये बना दिया, ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल बना दिया और इसके वर्टिसेस पे चार्जेस प्रेजेंट है। अब आपको समझ में आएगा कि सर तीन चार्जेस हैं तो तीनों कहीं पे भी हो सकते हैं, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि कौन सा कहाँ पे होगा, ठीक है। तो मैंने मान लिया कि सर ये पे प्लस क्यू है, ये दो प्लस क्यू हमने यहाँ ले लिया और एक माइनस क्यू हमने यहाँ ले लिया, ठीक है। सो आई डोंट थिंक इसमें आपको कोई प्रॉब्लम होगा, ठीक है। आपसे पूछा गया है व्हाट इज़ द फोर्स ऑन ईच चार्ज, ठीक है। द क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द फोर्स ऑन ईच चार्जेस, मतलब कि आपको इस चार्ज पे कितना फोर्स होगा वो निकालना है, इस चार्ज पे कितना फोर्स होगा वो भी निकालना है और इस चार्ज पे फोर्स कितना निकालना है वो भी निकालना, ठीक है। तो भाई पहले ऐसा करते हैं कि हमें फोर्स निकालने के लिए चीज़ों को समझना होगा क्या चाहिए, क्या क्या चाहिए, मतलब समझो ज़रा। देखो अगर मैं बात करूँ इस चार्ज की, समझो, ठीक है बेटा, अगर मैं बात करूँ इस चार्ज की, स्टार्ट करते हैं या फिर यहीं से स्टार्ट कर लो। यू कैन टेक दिस पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी एंड दिस इज द पॉइंट सी, ठीक है। आपने मान लिया पॉइंट ए बी एंड सी। अब समझो जब आप पॉइंट ए पे बात कर रहे हो चार्ज कितना है माइनस क्यू, तो ये एक चार्ज सिस्टम हो गया, एक चार्ज सिस्टम है। और चार्ज सिस्टम में हमने बताया था कि किसी भी गिवन चार्ज पे अदर चार्ज की वजह से फोर्सेस लगता है, तभी तो हमने प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन की बात की थी। यानी हमने क्या कहा था कि अगर कोई ये चार्ज है और ये दो चार्ज के वजह से, मतलब दो चार्ज के इफेक्ट में रखा गया है, सिस्टम में रखा गया है, इसके साथ रखा गया है, ठीक है, एट अ सर्टेन डिस्टेंस, तो डेफिनेटली इस पे दोनों की वजह से फोर्सेस अप्लाई होंगे, ठीक है। देखो अब इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो तीनों के तीनों लेंथ सेम है, तो तीनों के तीनों लेंथ हमने मान लिया एल हो गए, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अब समझो इस चार्ज पे इसके वजह से फोर्स निकालेंगे, इस चार्ज पे इसके वजह से फोर्स निकालेंगे और दोनों फोर्स का क्या निकाल लेंगे, रिजल्टेंट निकाल लेंगे एंड दैट रिजल्टेंट विल बी द फोर्स ऑन दिस चार्ज, ठीक है। चलो समझते हैं, तो प्लस क्यू और ये माइनस क्यू, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा या रिपल्सन होगा बताओ, ये इस चार्ज पे कैसा फोर्स लगाएगा, रिपल्सन या अट्रैक्शन, अट्रैक्ट करेगा ये, तो ये क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। इसके वजह से भी इस पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा क्योंकि प्लस और माइनस, तो ये भी क्या होगा, इनवर्ड होगा, अट्रैक्ट हो रहा है। तो ये हमने मान लिया बेटा, देखो क्यू और ये भी क्यू, मैग्नीट्यूड तो सेम ही होना है फोर्स का, क्यू और ये भी क्यू, मैग्नीट्यूड सेम होना है, एल डिस्टेंस सेम है, एल डिस्टेंस सेम है, तो डेफिनेटली आपका मैग्नीट्यूड सेम होगा। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ मैग्नीट्यूड सीधा सीधा, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ एफ, ठीक है। तो ये डेफिनेटली आपका दोनों के केस में 1/4πε0 क्यू इंटू क्यू, ठीक है, डिवाइड बाई एल स्क्वायर, ये होगा कि नहीं बताओ। देखो यहाँ से भी एल क्यू इंटू क्यू एल स्क्वायर, क्यू इंटू क्यू एल स्क्वायर, ठीक। चलो तो अब यह फोर्स हमने मान लिया कि सर ये फोर्स एफ लग गया, ये भी फोर्स एफ लग गया, ठीक है। देखो दोनों ही फोर्सेस क्या है, ये एफ है, ठीक है, एफ और एफ, डेफिनेटली इन दोनों के बीच में इनका रिजल्टेंट आएगा, ठीक। अब इन दोनों फोर्स के बीच में कितना एंगल है, तो 60 डिग्री, क्यों 60 हमने लिया, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो दो फोर्सेस हैं, ठीक है, इस तरीके से दो फोर्सेस हैं और ये दो फोर्सेस के बीच में अगर एंगल कितना है 60 डिग्री है, तो इनका रिजल्टेंट मैंने बताया था बेटा आपको स्टार्टिंग में याद होगा, रिजल्टेंट फोर्स कह सकते हो, ठीक है, रिजल्टेंट फोर्स इन दोनों की वजह से,
ठीक है, वो बीच में आएगा। और इसका फोर्स कितना आएगा, तो अंडर रूट में हमने पढ़ा हुआ है, वेक्टर में पढ़ा हुआ है, क्या है पढ़ा हुआ है बेटा, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस टू पी क्यू कॉस थीटा, आपको याद होगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस टू पी क्यू कॉस थीटा, ये आर होता था, याद आ रहा है। इन द सेम वे यहाँ पे क्या आएगा, पी क्यू क्या है यहाँ पे, दोनों एफ है, सो एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस टू एफ स्क्वायर हो जाएगा, बिकॉज दोनों दोनों सेम है फोर्सेज, एंड कॉस थीटा यानी कॉस 60, एंगल कितना है 60 है। अब आपको यहाँ पे रिजल्टेंट मिल जाएगा, सो द रिजल्टेंट फोर्स विल बी अंडर रूट एफ एंड एफ टू एफ स्क्वायर, एफ एंड एफ टू एफ स्क्वायर प्लस यहाँ से टू एफ स्क्वायर इंटू कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है बेटा, तो 1/2, ये 2 और ये 2 कट जाएगा, सो यहाँ पे कितना आएगा 2f स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर 3f स्क्वायर, दिस इज़ द रिजल्टेंट फोर्स। और आपको यहाँ पे लिखना लिख सकते हो f रूट 3 लिख सकते हो आप, क्योंकि भाई f तो बाहर आ जाएगा, स्क्वायर है तो। दिस इज़ द रिजल्टेंट फोर्स ऑफ ऑन दिस चार्ज, ठीक, इतनी बात तो क्लियर हो गई। तो हमारा कितना आ गया, f रूट 3 आ गया, डन। चलो एक चार्ज पे फोर्स आ चुका है, ठीक है, दिस इज़ द फोर्स ऑन चार्ज एट ए, दिस इज़ द फोर्स ऑन द चार्ज एट ए, यानी द फोर्स ऑन द चार्ज माइनस क्यू, ये माइनस क्यू वाला चार्ज है, ठीक है, इतना फोर्स आ गया। अब बात करते हैं इस पे, ज़रा इस पे बात करोगे, देखो माइनस है, ये भी प्लस है, माइनस प्लस क्या होगा, अट्रैक्शन ही होगा, रिपल्सन तो होगा नहीं, तो इस पे इसके वजह से क्या होगा, ये इसको अट्रैक्ट करेगा, ये इसको अट्रैक्ट करेगा, ठीक है, अट्रैक्शन, और ये इसको क्या करेगा, रिपल्सन, देखो प्लस और प्लस रिपल्सन, तो ये दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, इधर आएगा, ये बात समझ में आई, तो इन दोनों की वजह से इधर फोर्स आएगा, इन दोनों की वजह से इधर आएगा, डायरेक्शन अलग अलग है लेकिन मैग्नीट्यूड फिर से सेम होगा, यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ ऑल द फोर्सेज विल बी सेम, ये चीज़ तो समझ में आ गई, क्यों सेम हो गया, रीजन क्या है, रीजन है कि यही सब में आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ऑल द फोर्सेज विल रिमेन सेम, तो यहाँ भी क्यू और क्यू एल स्क्वायर, यहाँ भी क्यू और क्यू एल स्क्वायर, सेम आ गया। बस अब आपको क्या करना है, ये भी मान लेना है F है और ये भी मान लेना है F है, ठीक है, इनका रिजल्टेंट निकालना है, तो इनका रिजल्टेंट बेटा इनके बीच में कहीं आएगा, इनके बीच में एंगल कितना बनेगा, यहाँ से एज वी नो दिस इज एंगल 60, तो ये एंगल कितना बनेगा 120 बन गया, तो अब रिजल्टेंट कितना हमें निकालना होगा, एंगल 120 रख के निकालना होगा। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से फॉर द फोर्सेज यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं, यहाँ पर फोर्स ऑन चार्ज प्लस क्यू एट बी, एट बी कितना आ रहा है वो हम कैसे निकालेंगे, तो वहाँ से हम निकालेंगे बेटा अंडर रूट में, यहाँ पे एंगल सिर्फ चेंज हो जाएगा, देखो फोर्सेज विल बी रिमेन सेम, एफ और एफ अभी भी सेम है बिकॉज मैग्नीट्यूड भी सेम है, एंगल यहाँ पे बस 120 हो जाएगा, ठीक है, दिस विल बी द रिजल्टेंट फोर्स। और ये कितना आएगा, ये भी निकाल के दिखा दे रहे हैं, कितना आ रहा है आपको, देख लो पहले कितना आता है, तो यहाँ से आप निकालोगे एफ स्क्वायर प्लस टू एफ स्क्वायर, सेम एज इट इज़ होगा, कॉस 60 वहाँ कॉस 120, तो कॉस 120 की वैल्यू कितनी होती है बेटा, कॉस 120 की वैल्यू होती है कितनी, एफ स्क्वायर, देखो एफ और एफ, ये टू एफ स्क्वायर हो जाएगा यहाँ से, ठीक है, प्लस टू एफ स्क्वायर इंटू आप कॉस 60 की वैल्यू बताओ, तो देखो कॉस 60 को आप लिख सकते हो क्या, कॉस 90 प्लस थीटा, और कॉस 90 प्लस 30 लिख सकते हो, और कॉस 90 प्लस थीटा क्या होता है बेटा, पढ़ोगे तो माइनस साइन थीटा, ठीक है, या सॉरी साइन थीटा होता है, ठीक है, तो साइन 30 हो जाएगा, तो कॉस 120 कितना हो जाता है 1/2, तो ये भी कितना होगा 1/2 होगा, तो ये भी कितना होगा, कट जाएगा। अब यहाँ से 2f और ये f कितना है, अंडर रूट 3f स्क्वायर, सो द रिजल्टेंट इज f रूट 3, कितना है f रूट 3, तो ये भी हमारा आ गया एफ रूट 3। तो इससे आप समझ पा रहे हो कि बेटा अगर एफ रूट 3 आ रहा है हमारा इस पे बी पे, तो सी पे भी मेरे ख्याल से सेम ही आना चाहिए। सो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया है, इसका मतलब कि फोर्सेस हमारा सिमिलरली सी पे कितना आएगा, आपको बता दूँ यहाँ पे सिमिलरली अगर आप सी पे निकालोगे बेटा तो क्या आएगा, प्लस और प्लस तो रिपल्सन, प्लस और माइनस तो अट्रैक्शन, और इनके बीच में ये फोर्स आएगा, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो ये भी एफ रूट 3 ही आना है क्योंकि एंगल यहाँ भी 120 बनेगा। सो आई होप आपको क्लियर हो गया, तीन फोर्स आ चुके हैं और तीनों के तीनों फोर्स एफ रूट 3 आएगा, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, एज इट इज सेम प्रोसीजर है, ठीक।
चलो पहले हम मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे, फिर हम एंगल रख के फिर हम क्या निकाल लेंगे, उनका रिजल्टेंट निकाल लेंगे, ठीक है। चलो तो ये हो गया हमारा एग्जाम्पल नंबर 1.7, आई होप आपको यहाँ तक क्लियर होगा, ठीक है। चलो कमिंग टू द एग्जाम्पल नंबर 1.8, एग्जाम्पल नंबर 1.8 क्या कह रहा है आपको क्वेश्चन में, इन एग्जाम्पल नंबर 1.8 ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 1.8 में आपसे कहा गया है यहाँ पे, देखो एक चीज़ और क्वेश्चन यहाँ पे पूछ सकता है कि क्या ये चार्जेस हमारे इक्विलिब्रियम में है, क्या ये जो चार्जेस हैं ये इक्विलिब्रियम में है सिस्टम ऑफ चार्ज, तो बिल्कुल इक्विलिब्रियम में होंगे। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि टोटल फोर्सेज जो होंगे सिस्टम के वो क्या होंगे, जीरो होंगे, जब आप नेट फोर्स निकालोगे सिस्टम का और वो भी उसमें डायरेक्शन के साथ निकालोगे। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आप बन सकता है कि मान लो हमने मान लिया F1, इसको मान लिया हमने F2, इसको मान लिया F3, तो F1 प्लस F2 प्लस F3 ये तीनों का सम क्या आएगा, वेक्टर सम जीरो आएगा, तभी ये चार्ज इक्विलिब्रियम में होंगे, ठीक है। और ये हम पढ़ भी चुके हैं और ये आएगा भी, ऐसा क्यों आएगा, देखो इसकी डायरेक्शन नीचे है तो ये डायरेक्शन इसकी नीचे जाएगी, इसकी डायरेक्शन कुछ इस तरीके से जा रही है, इसकी डायरेक्शन कुछ इस तरीके से जा रही है, तो ये तीनों फोर्स हमें दिख रहे हैं, तीनों इक्वल फोर्सेज हैं, और हमने बताया था कि इन दोनों का रिजल्टेंट निकालोगे तो अपवर्ड आएगा और वो और ये डाउनवर्ड फोर्सेस क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, सो नेट फोर्स विल बी जीरो। ये आप आगे कर सकते हो इसमें, ठीक है। चलो तो ये चीज़ भी क्वेश्चन इसमें हो सकता है, ये है नहीं लेकिन ये हो सकता है। चलो कमिंग टू एग्जाम्पल नंबर 1.8, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, समझेंगे। इस क्वेश्चन में कहा गया एग्जाम्पल नंबर 1.8 में कि आपका एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और वो फॉल कर रहा है एक सर्टेन डिस्टेंस से 1.5 सेंटीमीटर से, ठीक है। सो द क्वेश्चन इज एन इलेक्ट्रॉन फॉल्स थ्रू डिस्टेंस 1.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन 1.5 सेंटीमीटर डिस्टेंस से फॉल कर रहा है इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, मान लो समझ ले पहले, तो क्वेश्चन को आप समझ ले इस तरीके से कि ये आपका एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, प्लस माइनस होते हैं ना जैसे, तो ये हमने मान लिया ये माइनस है ये प्लस है, माइनस प्लस, माइनस प्लस, माइनस प्लस, माइनस प्लस। अब आप कहोगे सर प्लस नीचे क्यों लिया, भाई ये बताओ इलेक्ट्रॉन नीचे गिरेगा तो माइनस नीचे तो ले नहीं सकते, क्योंकि इलेक्ट्रॉन माइनस की तरफ जाएगा नहीं, है ना, प्लस की तरफ ही जाएगा, तो हमने मान लिया नीचे प्लस है, तो प्लस से माइनस ये क्या जा रहा है, हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स जा रही हैं सारे के सारे, क्या जा रही हैं, ठीक है, प्लस से माइनस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हमारा ई हो गया, ठीक है, जा रहा है। इसमें बोला गया एन इलेक्ट्रॉन फॉल्स थ्रू द डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितना दे रखा है, डिस्टेंस इज गिवन 1.5 सेंटीमीटर, ठीक है। नाउ इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन, ई गिवन है आपको, ई गिवन है कितना, 2×10⁴ न्यूटन पर कूलम गिवन है, ठीक है। द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड इज रिवर्स, अब देखो फील्ड की डायरेक्शन रिवर्स कर रहे हैं, ठीक है भाई, तो डायरेक्शन रिवर्स कर देंगे तो प्लेट क्या हो जाएगा, ऊपर प्लस नीचे माइनस, तो डायरेक्शन ऑफ द फील्ड इज रिवर्स, ठीक है, ये हो गया डायरेक्शन ऑफ द फील्ड इज रिवर्स, कीपिंग इट्स मैग्नीट्यूड अनचेंज, यानी इसका मैग्नीट्यूड अभी भी सेम है, ठीक है। यहाँ क्या लिखेंगे, मैग्नीट्यूड इज सेम, मैग्नीट्यूड ऑफ ई सेम है, बात समझ में आई, डायरेक्शन रिवर्स हो गया, डायरेक्शन क्या हो गया, रिवर्स हो गया, अब डाउनवर्ड हो गया, ठीक है, ये चीज़ आपके इसमें लिखी गई है, तो ये आपका डाउनवर्ड हो गया आपका। अब पूछा गया है आपसे एंड अ प्रोटॉन फॉल्स थ्रू द सेम डिस्टेंस, अब यहाँ पे एक प्रोटॉन फॉल कर रहा है, तो पहले एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ले लो, ठीक है भाई, ये इलेक्ट्रॉन है ये फॉल कर रहा है डाउनवर्ड, और यहाँ पे एक प्रोटॉन है ये फॉल कर रहा है यहाँ पे, आई बात समझ में, दोनों सिचुएशन समझ लो। कंप्यूट द टाइम फॉलिंग इन ईच केस, यहाँ पे टाइम कितना लगेगा आपसे पूछा गया है, ठीक है, और यहाँ पे टाइम पूछा गया है इन ईच केस, मतलब यहाँ भी टाइम आपको निकालना है दोनों ही केस में, ठीक है। कॉन्ट्रास्ट द सिचुएशन एंड विद द फ्री फॉल अंडर ग्रेविटी, यानी आपका फ्री फॉल अंडर ग्रेविटी वाली सिचुएशन को कॉन्ट्रास्ट करना है। कॉन्ट्रास्ट करने का मतलब ये है कि आप वहाँ पे एक्सीलेशन ड्यू टू ग्रेविटी नहीं लेंगे, ये कहने का मतलब है, ठीक है, क्योंकि आप अगर किसी भी फ्री फॉलिंग बॉडी को देखते हो तो आप अंडर ग्रेविटी अज्यूम करने लगते हो, जी यूज़ करने लगते हो, लेकिन यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट बोला गया है, मतलब आपको नहीं यूज करना है, ठीक है। चलो तो ये टाइम फॉर इलेक्ट्रॉन टी मान लो, ये टाइम फॉर प्रोटॉन टी पी मान लो, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन को अगर हम समझे ध्यान से तो ये इक्वेशन ऑफ मोशन पे बेस्ड है,
तो देखो आपके पास इक्वेशन ऑफ मोशन होता है सिंपल, एच इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये तो होता ही है। इसी फॉर्मूले पर ज़रा ध्यान से समझो, हमने मान लिया कि इनिशियली इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे कहाँ था, यहाँ किसी पॉइंट पे होगा मान लो, ठीक है, इनिशियली एट पॉइंट ए मान लो, अब आ गया वो मान लो पॉइंट बी पे, ठीक है, तो मूव कर रहा था। इनिशियली हमने मान लिया कि यहाँ पे क्या था, इनिशियली हमने मान लिया कि इलेक्ट्रॉन हमारा क्या है, रेस्ट पे है, ठीक है, इनिशियली मतलब मान लिया, तो इनिशियल वेलोसिटी हम क्या ले लेंगे, जीरो, इनिशियल वेलोसिटी जीरो ले लेंगे, ठीक है। तो इस केस में हमारा एच कितना निकल के आएगा, एच हमने क्या डिस्टेंस माना है 1.5, ये डिस्टेंस हमारा क्या है, दिस इज इक्वल टू एच, ये सेम होगा दोनों केसेस में, इसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड भी सेम है, उसमें भी कोई चेंजेस नहीं आ रहा है, देखते हैं चेंजेस कहाँ आ रहा है। एच इक्वल्स टू इस फॉर्मूले में रखो क्या आएगा, 1/2 ए, यू तो जीरो हो गया, ए का मतलब एक्सेलेरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये एक्सेलेरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें निकालना है, एक्सेलेरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन विथ टी स्क्वायर, टी स्क्वायर। तो बेटा हमें टाइम तो निकालना था ना, तो टाइम हमें यहाँ से मिल जाएगा, टाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा, यहाँ से क्या मिल जाएगा, टाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ से हमें मिल जाएगा 2h, देखो 2h डिवाइड बाई ए इक्वल्स टू इतना, टी स्क्वायर है तो ये अंडर रूट में आएगा, ये आ गया हमारा टाइम पीरियड, आ गया नहीं आया बताओ, सिंपल देखो भाई यहाँ से आ गया ना, तो ये हमारा आ गया टाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन, टाइम फॉर द इलेक्ट्रॉन्स व्हेन इट इज़ फॉलिंग फ्रॉम पॉइंट ए टू द पॉइंट पी, या फिर कह सकते हो टाइम इन कवरिंग द डिस्टेंस 1.5 सेंटीमीटर। अब इस फॉर्मूले को ध्यान से देखो, इसमें एक्सेलेरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन भी यूज किया गया है। एक्सेलेरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे निकालें, तो आपके पास फॉर्मूला एक होता है फोर्स इक्वल्स टू क्यू इंटू ई, आपने पढ़ा हुआ है फोर्स इक्वल टू क्यू इंटू ई पढ़ा है, और आपने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है फोर्स इक्वल टू एम इंटू ए, क्योंकि चार्ज की मोशन की बात हो रही, तो ये हम ऑलरेडी यूज कर चुके हैं फॉर्मूला। तो ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक्सेलेरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इसको ई लिख लो, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड ई, हमारा मैग्नीट्यूड तो सेम ही रहना है, तो यहाँ से आप एक्सेलेरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या निकाल सकते हो बेटा, ई इंटू ई डिवाइड ओवर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब इसको आप यहाँ पर यूज कर सकते हो, चलो दो चीज़ समझ में आ गई, इस पे आ जाओ जरा, सेम सिचुएशन यहाँ भी, तो सेम सिचुएशन जब टाइम ऑफ प्रोटॉन निकालोगे तो सेम फॉर्मूला यूज होगा, बस आपका क्या हो जाएगा 2h डिवाइड बाई एक्सेलेरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ना होकर के एक्सेलेरेशन ऑफ प्रोटॉन हो जाएगा, ठीक है। अब समझो एक्सेलेरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन का ये है, तो एक्सेलेरेशन ऑफ प्रोटॉन का फॉर्मूला अगर आप निकालना चाहोगे ऑन द बेसिस ऑफ दिस, तो आपको लिखना पड़ेगा एक्सेलेरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन का चार्ज, तो यहाँ प्रोटॉन का चार्ज, तो ये आप लिख दोगे पी, पी फॉर प्रोटॉन का चार्ज, और ई इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। अब एक बात बताओ, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन और चार्ज ऑफ प्रोटॉन क्या सेम होते हैं, बिल्कुल सेम होते हैं, तो आप इसको यही लिखोगे तो भी कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, क्योंकि सेम होते हैं चार्ज, हाँ मास अलग होते हैं, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एम ही है, तो मास ऑफ प्रोटॉन एम पी हमने लिख लिया, ठीक है। इन चीज़ों को ज़रा ध्यान से देखो, इन सबको ज़रा ध्यान से देखो, ठीक है। सो स्टूडेंट्स सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, एक्चुअली क्या हुआ कि अभी सडनली आपका मेरा फ़ोन अभी बंद हो गया, मुझे पता नहीं चला, इसलिए मैं आगे कंटिन्यू कर चुका था, बट वापस से मुझे आना पड़ेगा, क्योंकि जहाँ पे वीडियो का अभी एंड हुआ मैंने देखा कि वी आर डिस्कसिंग अबाउट एग्जांपल 1.8 आई थिंक, ठीक है, तो एग्जांपल 1.8 पे ही अभी हम लोग हैं, हालांकि मैंने आगे भी डिस्कस कर दिया था, लेकिन मोबाइल की कुछ प्रॉब्लम हो गई थी सडनली, इस वजह से मुझे दोबारा करना पड़ेगा, बट नो प्रॉब्लम, जहाँ तक उसमें है उसके आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो एक्चुअली 1.8 में हमने देखा था कि जब इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स को किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में, ठीक है, आप ऊपर से नीचे तक, मतलब मान के चलो वो डिस्टेंस अगर ट्रेवल कर रहे हैं एक सर्टेन डिस्टेंस, ठीक है, वो फॉल कर रहे हैं किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में, इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन क्योंकि चार्ज पार्टिकल्स हैं, तो उन पे हमने बताया था कि टाइम कितना लगेगा, वो आपको निकालना था, टाइम फॉर द इलेक्ट्रॉन्स एंड टाइम फॉर द प्रोटॉन्स, ठीक है, दो चीज़ें हमें बात करनी थी, ठीक। इससे पहले हमने आपको बताया था कि ये कितना होगा 2h ओवर ए ई, याद आ रहा है आपको, इलेक्ट्रॉन के लिए, ठीक है, और सिमिलरली प्रोटॉन के लिए क्या बताया था हमने, 2h ओवर ए पी, हमने ये भी बताया था, और हमने बताया था क्योंकि एक्सेलेरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमने क्या बताया था, ई इंटू ई अपॉन एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, आपको याद होगा, और इसमें बताया था हमने, यहाँ तक चीज़ें हो गई थी, एक्सेलेरेशन ऑफ प्रोटॉन भी हो गया था, E इंटू ई ओवर मास ऑफ प्रोटॉन, यहाँ तक चीज़ें हो गई थी। अब हमें टाइम की वैल्यू निकालनी थी, तो मैंने बताया था कि इस एक्सेलेरेशन की वैल्यू आप यहाँ पे रख दो, इस एक्सेलेरेशन की वैल्यू आप यहाँ पे रख दो, ठीक है, तो जैसे ही आप रखोगे सो द टी बिकम्स अंडर रूट 2h, 2h ई ऊपर, एम ऊपर चला जाएगा, नीचे ई और ई हो जाएगा, ठीक है,
इन द सेम वे यहाँ पे कितना आएगा, तो टी ऑफ इलेक्ट्रॉन टी फॉर द प्रोटॉन्स अंडर रूट टू एच एम पी डिवाइड बाई ई इंटू, इतना आएगा। इतनी बातें हमें कर ली थी, आई थिंक यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब प्रॉब्लम ये थी कि आपसे पूछा गया है कि जब इलेक्ट्रॉन फॉल कर रहा है और प्रोटॉन फॉल कर रहा है, दोनों ही केसेस में टाइम किस में ज़्यादा लगेगा, इतनी बात थी। अगर सिर्फ इतना पूछता टाइम किस में ज़्यादा होगा, विच विल टेक मोर टाइम, तो आप डायरेक्टली इनको देख के बता सकते हो किस में ज़्यादा टाइम लगेगा। लेकिन क्वेश्चन पूछा गया है आपसे कंप्यूट करना है, कंप्यूट करने का मतलब आपको कैलकुलेट करना है, तो यू हैव टू पुट द वैल्यूज। देखो एच आपको पता था, एच इज गिवन 1.5 सेंटीमीटर, एच इज गिवन 1.5 सेंटीमीटर, ठीक है। एम ई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ये आपको ऑलरेडी पता है कितना होता है बेटा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 10 टू द पावर -31 kg, ये भी आपको पता है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज ई ये भी आपको पता है, 1.6 10 टू द पावर -19 कूलम, पता ही है आपको। इलेक्ट्रिक फील्ड ई ये भी आपको गिवन था, आई थिंक 2.4 कुछ गिवन था, ये भी कुछ इस तरीके से गिवन था, 2 × 10⁴, हाँ 2 × 10⁴ गिवन था, 2 × 10⁴ गिवन था, न्यूटन पर कूलम, ठीक है। इसी तरीके से सारी चीज़ें गिवन थी। आप मास ऑफ प्रोटॉन भी यूज कर सकते हो क्या, 1.67 10 टू द पावर -27 kg। तो सारी चीज़ें आपको गिवन है, आपको जस्ट क्या करना है, पुट दिस वैल्यू इन दिस टू इक्वेशन, इसमें और इसमें, एंड कैलकुलेट द वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली। एक तो ये तरीका है आपको जब पूछा जाए कैलकुलेट करने का, कैलकुलेट करने के लिए। लेकिन अगर मान लो मुझसे पूछा जाए कि सर विच वन टेक मोर टाइम, विच वन विल टेक मोर टाइम, सिर्फ आपको सिर्फ इतना पूछा जाए, तो आप क्या करोगे, सीधा सीधा देखो टाइम फॉर प्रोटॉन और टाइम फॉर इलेक्ट्रॉन दोनों को डिवाइड कर लो, रेशियो निकाल लो, इन दोनों को डिवाइड कर लो सीधा सीधा। जैसे आप डिवाइड करोगे देखो ये दोनों कट जाएंगे, ये दोनों भी कट जाएंगे, ये दोनों भी कट जाएंगे, सिर्फ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मास ऑफ प्रोटॉन ये बचेगा। तो प्रोटॉन के लिए क्या बचेगा, यहाँ पे रूट ओवर मास ऑफ प्रोटॉन और नीचे बचेगा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ से समझ में आएगा कि टाइम प्रोपोर्शनल हो गया रूट ओवर एम के, ये समझ में आया यहाँ से। और इससे ये समझ में आया कि सिंस मास ऑफ प्रोटॉन इज ग्रेटर देन मास ऑफ प्रोटॉन इज ग्रेटर देन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, सिंस मास ऑफ प्रोटॉन इज ग्रेटर देन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, देयरफॉर टाइम फॉर इलेक्ट्रॉन टाइम फॉर प्रोटॉन विल बी ग्रेटर देन टाइम फॉर इलेक्ट्रॉन। ये चीज़ें क्लियर हो गई यहाँ से, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाता विच वन विल टेक मोर टाइम, तो हम यहाँ से बता सकते हैं। लेकिन कैलकुलेट करने के लिए क्या है, आपको पुट द वैल्यूज एंड कैलकुलेट इट, अप्रॉक्सीमेटली भी आप कैलकुलेट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब आते हैं एग्जाम्पल नंबर 1.9 पे, ठीक है। सो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर होगा, कमिंग टू एग्जाम्पल नंबर 1.9, ठीक। एग्जाम्पल नंबर 1.9 में आपसे कहा गया है कि दो चार्जेज हैं, ठीक है, और वो दोनों के दोनों जो चार्ज है वो एक सर्टेन डिस्टेंस पे रखे गए हैं, ठीक है। क्वेश्चन है कि दो पॉइंट चार्ज हैं Q1 एंड Q2, जिसके कुछ मैग्नीट्यूड दे रखे हैं, एक प्लस में है एक माइनस में है, दोनों को एक सर्टेन डिस्टेंस पे रखा गया है, और कुछ तीन पॉइंट्स दे रखे हैं इन दिस फिगर, और वहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, ठीक। तो सॉरी ओके, सो क्वेश्चन दे रखा है हमें यहाँ पे दो पॉइंट चार्ज है, तो दो पॉइंट चार्ज हमने रख लिया यहाँ पे Q1 और ये हमने रख लिया Q2, ये दो पॉइंट चार्ज इस तरीके से कुछ दे रखे हैं, ठीक है। डिस्टेंस ऑलरेडी दे रखा है इसमें, और आपको डिस्टेंस दे रखा है 0.1 मीटर अपार्ट, ठीक है, एंड तीन पॉइंट्स दे रखे हैं इसमें ए बी एंड सी, इट इज़ गिवन इन दिस फिगर, और आपको वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो पहले क्वेश्चंस को समझ ले जरा, Q1 की वैल्यू दे रखी है 10⁸ कूलम, माइनस में है, ठीक है, 10⁻¹ कूलम, लेकिन वैल्यू प्लस में है, ठीक है। और बी हमने मान लिया यहाँ पे 10⁻¹ कूलम, लेकिन माइनस में है, तो Q2 इज नेगेटिव एंड Q1 इज पॉजिटिव, इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है, ये प्लस ये माइनस। अब तीन पॉइंट दे रखे हैं कहाँ कहाँ पे, देखो एक पॉइंट यहाँ दे रखा है, एक पॉइंट यहाँ पे सेंटर पे दे रखा है, और एक पॉइंट यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। देर आर थ्री पॉइंट्स, ठीक है, जहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी, नहीं इसको पॉइंट बी माना है, इसको सी माना हुआ है, ठीक है, इसको सी लिखा हुआ है, ठीक है। दीज आर द थ्री पॉइंट्स वेयर वी हैव टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए आपको मैंने बता रखा ऑलरेडी कि क्या चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए हमें दो चीज़ें चाहिए, ठीक है, और क्या क्या चीज़ें चाहिए, एक तो सोर्स चार्ज जिसका आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हो, दूसरा
जिस पॉइंट पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हो उस पॉइंट पे सोर्स चार्ज से क्या डिस्टेंस है, यानी आपके इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आपको याद होगी 1/4πε0 क्यू ओवर आर स्क्वायर। इतने के अकॉर्डिंग हमें वैल्यू चाहिए, एक क्यू चाहिए, एक आर चाहिए बस। ठीक, कुछ डिस्टेंस दे रखा है, 0.1 दे रखा है, ये भी 0.1 मीटर, 0.1 मीटर ये भी दे रखा है, ये आपका 0.05 दे रखा है, और ये भी 0.05 दे रखा है, ये भी 0.05 दे रखा है। इतनी सारी चीज़ें क्लियर है, क्योंकि 0.1 टोटल है, 0.1 टोटल है तो डिवाइड कर दोगे, मिड पॉइंट है यानी कि, तो इसका हाफ हो जाएगा, ये दोनों डन। आपको फाइंड करना है, दिस इज एग्जांपल नंबर 1.9, और आपको फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए बी एंड सी, इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए बी एंड सी। चलो फटाफट फाइंड करते हैं बेटा, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, आराम से फाइंड करेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बस एक बार आप समझ लो, ये चीज़ आपको आनी चाहिए। ठीक है, तो जिस भी पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है उसमें हम गिवन चार्ज की वजह से पहले फील्ड को निकाल लेंगे, और फिर सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या कहता है कि उनका वेक्टर सम कर दो, मतलब उनको ऐड कर दो। ठीक है, अगर डायरेक्शन सेम है तो ऐड करेंगे, अपोजिट है तो माइनस कर देंगे, जैसा भी होगा। तो पहले निकालेंगे ई एट ए, हमने निकाल लिया ई एट ए, इस पे निकालना है। ठीक है, तो इस पे हमने निकाल लिया ई ए, ठीक है भाई निकाल लेते हैं। तो दो इलेक्ट्रिक फील्ड, दो चार्ज हैं तो दो इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे, देखो एक चार्ज Q1 है, एक चार्ज Q2 है, तो दो इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे कि नहीं होंगे। तो Q1 प्लस है, तो प्लस की वजह से किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बाहर की तरफ आउटवर्ड, तो ये बाहर की तरफ होगी आउटवर्ड, इस पॉइंट की वजह से, इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे आउटवर्ड, और इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे क्या होगा इनवर्ड, क्योंकि माइनस चार्ज है। तो एक हमने लिख दिया E1 इसकी वजह से, एक हमने लिख दिया E2 इसकी वजह से। सो सिंस E1 एंड E2 बोथ हैव सेम डायरेक्शन, E1 प्लस E2 हो जाएगा, इसका मतलब दोनों के दोनों सेम डायरेक्शन, दोनों को हमने ऐड कर दिया, और यही तो हमारा नेट फील्ड हो जाएगा ना। तो नेट फील्ड होगा तो आपको वैल्यू रखना होगा, E1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/4πε0 इंटू Q1 ओवर आर स्क्वायर। मान लो हमने आर मान लिया, ये डिस्टेंस हमने आर मान लिया, मान लो ये डिस्टेंस कितना लिख लिया हमने, आर लिख लिया, इससे इससे डिस्टेंस, क्योंकि ये भी सेम डिस्टेंस है तो ये भी आर होगा, ये भी आर होगा, तो आर दोनों में सेम है। तो Q1/r² प्लस 1/4πε0 एंड Q2/r² यहाँ तक क्लियर, समझो जरा, दोनों में 1/4πε0 कॉमन है, तो मैंने लिखा 1/4πε0 कॉमन। ठीक है, आर भी कॉमन है तो नीचे आर स्क्वायर भी हमने कॉमन ले लिया, कोई दिक्कत नहीं। अब सर बात आई Q1 और Q2 की, तो देखो जरा अब अगर हम ध्यान से देखें तो इस Q1 की वैल्यू कितनी है, Q1 की वैल्यू है 10⁻⁸ और Q2 की वैल्यू है -10⁻⁸, लेकिन ये माइनस क्या है, चार्ज है, मैग्नीट्यूड में तो सेम है दोनों के दोनों, तो मैं क्या लिख सकता हूँ 10⁸, 10⁻⁸, आई बात समझ में। अरे दोनों Q1 और Q2 की वैल्यू सेम रख दी हमने, R दोनों का सेम ही है, 1/4πε0 तो कॉमन ही हो गया, तो ये R की वैल्यू भी रख दे अगर कोई दिक्कत ना हो तो, R की वैल्यू 0.05 है, इसका स्क्वायर कर दिया हमने, डन है, इतनी सी बात, सिंपल सी बात है। अब आपको यहाँ से ये वैल्यू पता है ऑलरेडी कितना होता है, 9×10⁹, ये आपको पता है, यहाँ से रखोगे तो सर 2×10⁻⁸ हो जाएगा, ये भी आपको पता है, ये 0.05 का स्क्वायर कर लोगे, ये भी आप कर सकते हो। तो कैलकुलेट करना है ओवरऑल वैल्यू कितनी आएगी, तो 7.2×10⁴ न्यूटन पर कूलम मैंने अप्रॉक्सीमेटली लिख दिया है, जो आपको इसमें कैलकुलेट करके दे रखा है, लेकिन आपका कैलकुलेशन वाला काम खुद करना होगा आपको। ठीक, मैंने समझा दिया कैसे करेंगे, अब जरा समझो जरा, ये पॉइंट कहाँ पे था, ए पे था, इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों के दोनों, जरा बी पे आओ, जब आप बी पे आओगे तो बी पे देखो बात को समझना, मैंने बताया आपको कि माइनस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा इनवर्ड, एंड प्लस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड। तो आपको इस प्लस की वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड आएगा, यानी कि E1 इज़ आउटवर्ड ड्यू टू दिस चार्ज, इस माइनस की वजह से इनवर्ड होगा तो E2 क्या आ जाएगा, अंदर हो जाएगा। अब जरा इन दोनों पॉइंट पे देखो क्या है, दोनों के दोनों अपोजिट है, तो यहाँ पे नेट फील्ड कितना आएगा, E एट B कितना लिख लोगे, E एट B आप क्या लिखोगे बेटा, E1 - E2, लेकिन बड़ा कौन सा है ये आपको देखना होगा। देखो जब आप E1 निकालोगे तो सोर्स से डिस्टेंस ये रहेगा, ठीक, जब आप E2 निकालोगे तो सोर्स तो ये है ना, तो यहाँ E2 के लिए यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस लेनी पड़ेगी ना हमें टोटल, ये आपको समझना होगा, यानी कि E1 बड़ा होगा E2
छोटा होगा, तो हम रिजल्टेंट क्या मिलेगा, हमें रिजल्टेंट मिल जाएगा ए बी इसमें इस तरफ मिल जाएगा, और रिजल्टेंट यहाँ पे ई ए किस तरफ मिल गया है, इस तरफ मिल चुका है। ठीक, अब ई बी की वैल्यू ई वन माइनस ए टू, अब ई वन और ए टू की वैल्यू आपको पता है, क्या पता है जरा देख लो, मैं बता दे रहा हूँ। आप लिखोगे सर ई एट बी मस्ट बी इक्वल्स टू, देखो वन बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट तो आपको कॉमन मिलना है, वन बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट आपको कॉमन मिलना है, दोनों में मिल जाएगा कॉमन। ठीक, अब बात आती है क्यू वन की, तो क्यू वन तो आपका चेंज हो नहीं रहा है, वो वही रहेगा। आर सारी की सारी चीज़ें आर पे डिपेंड करती है। अब समझो, जब हम इस क्यू वन की बात कर रहे थे ई वन के लिए इस पॉइंट पे, तो यहाँ से यहाँ तक ये सोर्स की डिस्टेंस ली जाएगी, यानी 0.05 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, और दूसरा माइनस, जब आप माइनस में दूसरा लोगे बेटा यहाँ से, तो जब माइनस लिखोगे दूसरा, तो दूसरा यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है, दूसरा कौन सा चार्ज है, दूसरा चार्ज है Q2 माइनस वाला। तो इसके वजह से इस पॉइंट पे हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कि इनवर्ट ये E2 दिख रहा है। अब समझो, तो इस चार्ज, ये हमारा सोर्स चार्ज हो गया, इस चार्ज से इस पॉइंट की डिस्टेंस हमें अब लेनी होगी, तो कितना होगा ये 0.05 और यहाँ कितना है 0.1, ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, तो 0.1 प्लस 0.05, तो 0.1 कितना हो जाएगा यहाँ से 0.1 प्लस 0.05 आप निकालोगे तो कितना आएगा बेटा, तो 0.15 कितना है 0.15, तो ये कितना हो जाएगा 0.15 का स्क्वायर। आई बात समझ में, और आपको Q1 Q2 पता ही है, देखो दोनों के दोनों सेम मैग्नीट्यूड, ये है आपका Q2 और ये है आपका Q1, दोनों ही आपको पता है, आपको इसमें रख देना है। वैल्यू इसकी पता ही है 9×10⁻⁹ होती है, ये कैलकुलेट आप कर सकते हो, इसमें कुछ भी नहीं है। ठीक है, डायरेक्शन आपको हमने रिजल्टेंट बता दिया, नेट वैल्यू आप यहाँ से निकाल लोगे। ठीक है, कमिंग टू द पॉइंट सी, जब आप पॉइंट सी पे आते हो बेटा, तो पॉइंट सी पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए आपके पास फिर से दो पॉइंट दिख रहे हैं, एक प्लस Q1 एक माइनस Q1। ठीक है, तो इसके वजह से आउटवर्ड होगा, क्योंकि प्लस की वजह से आउटवर्ड, थोड़ा सा सीधा बना दो लाइक दिस, आउटवर्ड होगा क्या, नहीं होगा पॉइंट इसके वजह से, तो हमने लिख लिया ये E1 है ड्यू टू दिस Q1। दूसरा हमारा Q2 है, जिसकी वजह से क्या होगा बेटा, जिसकी वजह से इनवर्ट होगा भाई, माइनस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर होगा ना, तो ये कितना हो जाएगा हमारा E2 हो गया। तो ये E1 ये E2, तो इनका नेट कहाँ आएगा, इनका नेट इनके बीच में तो आएगा यहाँ पे कहीं ना कहीं, तो डेफिनेटली यहाँ पे देखो ये 0.1 सेंटीमीटर, ये भी 0.1, ये भी 0.1, तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो ये एंगल 60 बन गया, ये 60 बन गया, तो ये एंगल कितना बन जाएगा 120 बन गया। अब दो फोर्सेज हैं, एक E1 है, दो वेक्टर है E1 और E2, इनके बीच में रिजल्टेंट निकालना है, तो ये आएगा हमारा EC और इनके बीच में एंगल कितना बन रहा है, तो 120। तो पहले E1 E2 निकाल लें, बाकी सिंपल है। देखो जब E1 निकालोगे इस पॉइंट पे, तो इसके वजह से निकालोगे, तो दिस चार्ज डिवाइड बाय दिस डिस्टेंस। ठीक है, जब आप E2 निकालोगे तो इस चार्ज की वजह से, तो ये चार्ज डिवाइड बाय 0.1 स्क्वायर डिस्टेंस स्क्वायर। ठीक है, तो फिर से तो आपको सेम ही मिल रहा है ना, डिस्टेंस और चार्ज दोनों के दोनों सेम ही मिल रहे हैं ना, सिर्फ आपको ऐड ही तो करना है, तो आपको सिर्फ क्या करना है, ऐड कर देना है। सो देयरफॉर ई एट सी जब आप निकालोगे ई सी करके, तो आपको मिल जाएगा बेटा यहाँ पे, देखो पहले आप E1 निकाल लो। ठीक है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को मैं K लिख दे रहा हूँ, बार बार लिखने से अच्छा है। ठीक है, अब आपको समझना है Q1 अपॉन R स्क्वायर R कौन सा R यहाँ पे, तो Q1 से ये डिस्टेंस है। ठीक है, सो 0.1 स्क्वायर। ठीक है, जब आप E2 निकालोगे तो क्या आएगा, K Q2 ओवर, यहाँ भी डिस्टेंस सेम आएगा दिख रहा है, तो ये भी कितना हो जाएगा 0.1 का स्क्वायर। ठीक, ये दोनों ही वैल्यू मिल चुके हैं, और दोनों के दोनों कितने एंगल पे हैं, 120 एंगल पे हैं। तो अब क्या करोगे आप, दो वेक्टर हैं हमारे पास, ये है E1 ये है E2, इनके बीच का एंगल है 120, तो इनके बीच में रिजल्टेंट कितना आएगा, E@C आ जाएगा। तो रिजल्टेंट E@C जब आप निकालोगे, तो आपको निकालना पड़ेगा कैसे, फॉर्मूला यूज करके। ठीक है, देखो सिंस E1 और E2 जब यहाँ निकालोगे, दोनों के मैग्नीट्यूड तो सेम दिख रहे हैं, देखो आई थिंक दोनों के सेम दिख रहे हैं, तो मैं दोनों को E रख रहा हूँ, E2 प्लस 2 E1 E2, यानी ई स्क्वायर और कॉस 120, ऐसे लिखते नहीं लिखते बताओ। अब E और E 2E2। ठीक है, तो 2E2 हो गया, प्लस यहाँ से 2E2 हो गया, और कॉस 120 कितना होता है, ये 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना आएगा बेटा यहाँ से, देखो 3E2 कितना आया, 3E2, यानी कि E√3 दिस विल बी द आंसर, E√3 आएगा आपका आंसर EC।
ठीक है, जिसकी डायरेक्शन होगी इस तरफ। और एक बात, ये E की वैल्यू कौन सी होगी, तो ये दोनों के दोनों मैग्नीट्यूड में सेम है, मैग्नीट्यूड में सेम है, और दोनों के दोनों मैग्नीट्यूड में सेम है, तो इन दोनों में से कोई भी वैल्यू ले लो, ये दोनों ही क्या है, इक्वल टू E है, दोनों क्या है, इक्वल टू E है, ठीक है, दोनों E के इक्वल है, दोनों के सेम वैल्यू आएगी, देख लो ना, डिस्टेंस भी सेम है, चार्ज भी सेम, बताओ कहाँ चेंज हो सकता है, ठीक है, डायरेक्शन अलग बात है लेकिन मैग्नीट्यूड तो सेम आएगा। तो ये तीनों के तीनों पॉइंट्स हमने निकाल लिए, तीनों के तीनों पॉइंट्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमने निकाल लिया, ठीक है। सो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर होगा, ठीक है। चलो कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जांपल नंबर 1.9 हो चुका है, 1.9 के बाद 2.0, ठीक है। ना समझ में आए तो वीडियो को एक बार ध्यान से समझोगे, समझ में आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, कमिंग टू एग्जांपल नंबर 2.0, ठीक है, एग्जांपल नंबर 2.0 पे जब आएंगे बेटा, तो यहाँ पे आपको दे रखा है एग्जांपल नंबर 2.0, एग्जांपल नंबर 2.0 में दे रखा है, सॉरी 1.0, क्योंकि अभी तक आपका क्या हो रहा था, एग्जांपल नंबर 1.9 था, याद आ रहा है, एग्जांपल नंबर 1.9 था, अब ये 1.10 है, ठीक है। चलो इसमें दे रखा है टू चार्जेस, ठीक है, दो चार्जेस हैं हमारे पास, दो चार्जेस हैं, और एक हमारे पास है प्लस 10 माइक्रोकूलम और एक है माइनस 10 माइक्रोकूलम, ठीक, दो चार्जेस हो गए प्लेस्ड, दोनों के दोनों डिस्टेंस हैं 0.5 mm अपार्ट, 5 mm डिस्टेंस है इनके बीच, ठीक है। डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक फील्ड, तो पहला पॉइंट आपसे पूछा गया है, ये निकालना है, कहाँ पे निकालना है, एट अ पॉइंट पी ऑन द एक्सिस ऑफ द डायपोल, यानी कि आपको ई एक्सियल निकालना है। डायपोल वाला कंसेप्ट याद करो कि जब आप डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हो, तो बेटा हमने बताया था, नहीं इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं, किसी भी डायपोल के एक्सिस पे बोल रहा हूँ, सॉरी, किसी भी डायपोल के एक्सिस पे किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड आप निकालते थे, याद करो, ठीक है, एक्सियल वाला कंडीशन और एक इक्विटोरियल वाली कंडीशन, दोनों ही कंडीशन यहाँ पे आपको निकालना है। तो पहला आपको एक्सियल वाला, ठीक है, उसके लिए कुछ वैल्यू दे रखी है, डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट पी, यानी कि पी से डिस्टेंस आपको दे रखा है, ठीक है, कहाँ तक, सेंटर ऑफ द डायपोल तक, यानी आर आपको दे रखा है, कितना दे रखा है, 15 सेंटीमीटर, ठीक है, ये क्या है, डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम सेंटर ऑफ डायपोल, फ्रॉम सेंटर ऑफ द डायपोल, ठीक है, ये दे रखा है आपको। और दूसरा पॉइंट आपको दे रखा है, ठीक है, बी एट एनी पॉइंट क्यू, ठीक है, ऑन द इक्विटोरियल लाइन या पासिंग द नॉर्मल टू द एक्सिस ऑफ द डायपोल, ठीक है। तो आपको जब इक्विटोरियल वाला निकालना है, ई इक्विटोरियल वाला, तो इसके लिए आपको आर दे रखा है 15 सेंटीमीटर, ठीक है, इसके लिए दे रखा है, ठीक है। और ये भी कहाँ से है, डिस्टेंस, ठीक है, डिस्टेंस ऑफ क्यू फ्रॉम सेंटर, ये दो चीज़ें आपको दे रखी है, एज शोन इन दिस फिगर, ये सारी चीज़ें आपको दे रखी है। चलो फिगर आपको दे रखा है, तो फिगर भी बना लो, ऐसे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, सिंपल सी बात है, ठीक है। सो कमिंग टू द पॉइंट, ओके सुनो, तो हमें बात करना है, फिगर दे रखा है बेटा कि ये आपका क्या है, ये एक डायपोल है, लाइक एक का माइनस क्यू, ये आपका एक प्लस क्यू, ठीक है, एक डायपोल है, इसके आपके एक्सिस पे कोई पॉइंट है, ठीक है, इसके आपके एक्सिस पे कोई पॉइंट पी है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ये सेंटर ऑफ द डायपोल है, यहाँ से डिस्टेंस कितना है, आर है, ठीक है, इस पे निकालना है। और दूसरा कंडीशन क्या है इस वाले केस में, कि ये आपका एक डायपोल है माइनस क्यू और एक प्लस क्यू, दिस इज द सेंटर, और ये यहाँ पे एक्सिस है आपका, इस पे कोई पॉइंट है क्यू, ठीक है, और इसका डिस्टेंस है यहाँ से कितना, आर, ठीक है। तो आपके पास सिंपली दो फॉर्मूले होते हैं, एक एक्सियल वाला और एक इक्विटोरियल वाला, आप सिंपल फॉर्मूला यूज कर लो, और आपके पास फॉर्मूला क्या होता है, ई एक्सियल इक्वल्स टू 1/4πε0 2P over R³। एक्सेल कितना होता है,
2p ओवर r क्यूब, ठीक है। एंड इक्विटोरियल कितना होता है? इक्विटोरियल होता है 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट n2 p ओवर r क्यूब, ठीक है। तो क्या क्या चीज़ें गिवन है ज़रा एक बार देख लें। पहले यहाँ पे देखो, ये दोनों के दोनों चार्ज गिवन है और इनके बीच का डिस्टेंस गिवन है 5 mm। तो 5 mm को पहले ऐसा करो, सेंटीमीटर में चेंज कर लो, ठीक है। तो ये कितना आएगा? 0.5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखो, आपके पास ये r पता है, ये क्या है? ये r है, मान l है, मान लो ये डायपोल के बीच का लेंथ है। मतलब ये जो दो चार्जेज होते हैं ना, ये दोनों चार्जेज इनके बीच का लेंथ है, डायपोल लेंथ है ये, ठीक है। तो ये 2l है, ये क्या है? 2l याद आ रहा है, ठीक है। और ये क्या है हमारे? ये क्या हमारे q है, ठीक है। तो अब हम देखो क्या निकाल सकते हैं बेटा। अब हम यहाँ से निकाल सकते हैं p इक्वल्स टू, पहले निकाल सकते हैं q इंटू 2l करके, ठीक है। यू कैन फाइंड p बाय मल्टीप्लाइंग q एंड 2l। q आपको पता है, 2l आपको पता है, मल्टीप्लाई करो, निकाल लो, ठीक है। या तो सबको सेम यूनिट में चेंज कर लेना, याद रखना, रिमेंबर, हमेशा सेम यूनिट में चेंज करना चाहिए, ठीक है। तो इसको मीटर में चेंज करो, बेटर होगा। ये mm है ना, तो इसको मीटर में चेंज करो, ठीक है। इसको आप किस में चेंज करो? मीटर में चेंज करो, ठीक है। और मीटर में चेंज करो और इसको कूलम में चेंज करो। माइक्रो है तो 10^-6, mm है तो 10^-3 मीटर, ठीक है। ये आप कर लोगे। q इंटू 12 कर लिया, p आ चुका है, ठीक। r यहाँ पे देखो 1/4πε0, ये ऑलरेडी आपको पता ही है। कितना पता है? तो ये 9×10^9 होता है, ये आपको पता ही है, ठीक है। 2 × p आपको पता है, q इंटू 12 हो गया, ये भी आपको पता चल गया। r की बात कर रहे हैं, r क्यूब, तो क्या r आपको नहीं पता? ज़रा देखना, ये देखो पता ही नहीं एक्सेल के लिए। जस्ट पुट दिस वैल्यू, आपको सारी वैल्यूज तो पता ही है, सिर्फ कैलकुलेट करना है। यू कैन अप्लाई डायरेक्टली फॉर्मूला, ठीक है। अब क्वेश्चन ये निकल के आता है, कई बार आपको बुक में भी सॉल्यूशन दे रखा है कि सर इस पॉइंट पे दोनों चार्ज की वजह से पहले फील्ड निकालें, फिर उनका हम रिजल्टेंट निकालें। तो आएगा तो इतना ही, डेरिवेशन याद करो ना। डेरिवेशन किस लिए हमने किया है? कि फॉर्मूला हम लर्न कर सकें। और ये वाली चीज़ देखो, इक्विटोरियल में आ गया, दोनों चार्ज पता है हमारे पास, ठीक है। तो q इंटू 12, यहाँ पर p क्या करोगे? q इंटू 12 कर लोगे। तो भाई p तो सेम ही आएगा, क्योंकि डायपोल तो सेम ही है। आगे r की बात करते हैं, r सेम नहीं है। r यहाँ पे कितना है? 15 सेंटीमीटर है, जब आप इक्विटोरियल के लिए निकालेंगे। तो r आपको 15 रख देना है। 1/4πε0, ये तो आपको पता ही है। 9×10^9, ये वैल्यू आप रख दोगे, कैलकुलेट कर दोगे, एंड यू विल फाइंड द आंसर, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन लेंदी भी दिया है, मैं बता दूं आपको, एक तरीके से डेरिवेशन वाला पार्ट है, वो करके बताएंगे मैं। लेकिन मेरा मानना है कि आप डायरेक्ट रख के फॉर्मूला सॉल्व कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपको वैल्यूज डायरेक्टली गिवन है, ठीक है। तो यहाँ तक आपका क्लियर हो गया है, एग्जाम्पल नंबर 1.10, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 1.1 तक हो चुका है। ऐसा करते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल्स जो रह गए हैं वो नेक्स्ट वीडियो में बनाते हैं, ठीक है। क्योंकि आपका फिर से वीडियो की लेंथ ज़्यादा ना हो जाए इसके वजह से, ठीक है। ओके, थैंक यू।